हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2023 रिलीज मूवी कांट रोड। तो ये एमएक्स प्लेयर पे रिलीज हुई है। सो ऐसा ही फ्रेश कंटेंट देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है मुंबई से, जहाँ पे इंस्पेक्टर चौधरी नाइट राउंड के लिए निकलते हैं अपने कुछ पुलिस वालों के साथ अपनी वैन में, और वो एक फ्लाईओवर से गुजर रहे थे और वो अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। साथ ही में वो लोग ड्रिंक कर रहे थे और नाइट पेट्रोलिंग चल रही थी। तो तभी वो लोग कांट रोड से गुजरते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें रोड पे एक लड़की दिखाई देती है, तो वो गाड़ी पीछे लेके आते हैं और उसे रेट पूछने लगते हैं। तो कांट रोड इसी के लिए फेमस है, तो वहाँ पे लाल गली है और हमेशा वहाँ पे सर्विस के लिए लड़कियां मिलती है। तो वो लड़की गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी आगे चलने लगती है। थोड़ी देर बाद अचानक पुलिस वैन से गोलियों की आवाज आने लगती है और गाड़ी डिसबैलेंस हो जाती है और एक जगह रुक जाती है। और गाड़ी रुकने के बाद इंस्पेक्टर चौधरी गाड़ी से उतरते हैं और खुद के ही पिस्टल से गोली लगने की वजह से उनकी मौत हो जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल जेल की तरफ, जहां से राजा अभी अभी जेल से बाहर आ गया था। उसके जेब में एक भी रुपया नहीं था, तो वो एक भिखारी से पैसे उठा लेता है और चाय टपरी पे चला जाता है। वहां पर चाय पीते टाइम हर न्यूज चैनल पे यही न्यूज आ रही थी कि कांट रोड पे कुछ पुलिस वालों की हत्या की गई है। फिर वहां से राजा एक रिक्शा में बैठ के अपने बस्ती की तरफ चला जाता है। राजा को बहुत ही रूड और वॉयलेंट दिखाया है। वो किसी को पैसे नहीं देता और सबको ठगता रहता है। और वो जैसे ही अपने घर में चला जाता है, तो उसे वहां पे नीरू मिलती है। तो नीरू की बात करें तो नीरू राजा की गर्लफ्रेंड है। राजा नीरू के साथ बात कर ही रहा था, तो तभी वहां पे भाऊ के आदमी आते हैं और नीरू से पूछते हैं कि चंगेजी कहाँ पे है, और पूरे घर की तलाशी लेने लगते हैं। लेकिन घर में चंगेजी नहीं था। तो नीरू कहती है कि 3 दिनों से वो घर ही नहीं आया है। यह कहने के बावजूद भी भाऊ के आदमी नीरू के साथ बदतमीजी से बात करते हैं। तो ये देख के राजा को गुस्सा आता है और वो उन पे भड़क जाता है। तो भाऊ के आदमी उसे मारने लगते हैं और कहते हैं, तेरे जेल जाने के बाद नीरू ने क्या क्या गोल खेला है तू ही देख ले, और उसे धमका के वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजा नीरू से सच्चाई पूछता है। तब नीरू बताती है कि चंगेजी ने ही जानबूझकर तुझे फंसाया है, क्योंकि वो मुझे पाना चाहता था, लेकिन तेरे होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। फिर राजा के जेल जाने के बाद चंगेजी नीरू के साथ रहने लगा और उस पर जुल्म ढाने लगा, और उसकी बेटी थी निम्मी, तो उसे भी भाव किया तो उसने बेच दिया। तो ये सुन के राजा को बहुत गुस्सा आता है। अब राजा की बात करें तो वो भी एक भाव का ही आदमी है, उसी के लिए काम करता था, और चंगेजी और राजा अच्छे दोस्त थे और दोनों को भी नीरू पसंद थी। लेकिन नीरू ने राजा को चूस किया, इसके वजह से चंगेजी गुस्सा हो जाता है और वो राजा को जेल भेज देता है। अब उसी हालत में राजा घर से निकलता है और हर जगह चंगेजी को ढूंढने लगता है, लेकिन किसी को भी उसका रिसेंट एड्रेस पता नहीं था। फिर ऐसे ही घूमते घूमते राजा नोटिस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वो उसे पकड़ लेता है और उसे मारने लगता है और उसे चंगेजी का एड्रेस पूछता है। तो वो आदमी उसे चंगेजी का एड्रेस बता देता है। फिर राजा चंगेजी के एड्रेस पर चला जाता है और वहां पर उसे पता चलता है कि चंगेजी एक दलाल बन चुका है और कस्टमर्स को वो लड़कियां प्रोवाइड करता है। फिर राजा चंगेजी को ढूंढ ही लेता है और उसे बहुत पीटता है, और उसके बाद वो चंगेजी से निम्मी कहाँ है ये पूछता है। तो पहले तो चंगेजी नहीं बता रहा था, लेकिन राजा अपना बेल्ट निकालता है और उसे मारने लगता है। तब चंगेजी बताता है कि निम्मी हरिवंश सेवा आश्रम में है और कल सुबह 9 बजे के अंदर तुम्हें उसे ढूंढना होगा, तभी मिल पाएगी। तो ये सुन के राजा वहां से जल्दी जल्दी में निकल जाता है। वो नीरू को कॉल करके बताता है कि चंगेजी ने निम्मी को बेच दिया है और वो उसे लेने जा रहा है, और वो यहाँ पे लफड़ा वफड़ा कुछ नहीं चाहता, बस नीरू राजा और निम्मी तीनों मिलके अपनी दुनिया बसाएंगे। ऐसा कह के राजा अपनी कार में बैठ के निकल जाता है और राजा भी कांट रोड की तरफ ही चला जाता है। और गाड़ी चलाते चलाते उसे अपना फ्लैशबैक याद आता है। तो जब वो जेल जाने से पहले चंगेजी के साथ कांट रोड से गुजर रहा था, तो उसके कार के सामने एक छोटी लड़की अपने पापा की पगड़ी के साथ दिखाई देती है। तो वो गाड़ी रोक लेता है और उस बच्चे से पूछने लगता है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ है। तो इसका उसके पास कोई जवाब नहीं था, इसलिए राजा उसे अपने घर लेकर आता है और उसे अडॉप्ट कर लेता है, और इसी लड़के का नाम वो निम्मी रख लेता है। इसी ख्याल में राजा गाड़ी चला रहा था, तो तभी बीच में एक लड़की आ जाती है और राजा गाड़ी रोक लेता है और उतर के उसे गालियां देने लगता है कि ऐसा तुम बीच में क्यों खड़ी हो। राजा को लग रहा था कि वो लड़की सुसाइड करने वाली थी, इसीलिए वो बीच में आई है। तब लड़की उसे बताती है कि वो हर रात यहाँ पे लोगों का इंतजार करती है। तब राजा समझ जाता है कि ये एक लाल गली वाली लड़की है और कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है।
लेकिन राजा को उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था क्योंकि वो नीरू की तरफ डेडिकेटेड था। फिर लड़की हंसती है और कहती है कि मैं एक एक्टर हूँ और ये मेरा रोल है, और थोड़ी दूर आगे मेरे पिक्चर की शूटिंग हो रही है, तो तुम क्या मुझे वहां तक लिफ्ट दे सकते हो। तो ये सुन के राजा उसे लिफ्ट दे देता है और वो दोनों कार में बैठ के जाने लगते हैं। फिर राजा उस लड़की को अपनी पिक्चर की स्टोरी सुनाने के लिए कहता है, तो वो लड़की बताती है कि हम बंजारन की फैमिली है जिसमें माँ, बाऊजी, छोटी बहन और मैं हूँ। बाबा ढोल बजाते हैं और मैं उस पर नाचती हूँ, और ऐसे ही हम गांव-गांव घूमते हैं पैसे कमाने के लिए। ऐसे ही गांव-गांव घूमते घूमते हम एक रात ऐसे ही सुनसान सड़क पर से घर जा रहे थे, तभी वो लड़की बाबूजी से कहती है कि उसका फेवरेट तितली वाला गाना बजाओ। तो बाबूजी उसके गाना बजाने लगते हैं और तितली उस पर थिरकने लगती है। तभी साइड से एक गाड़ी गुजरती है जिसमें कुछ गुंडे लोग नशा करते हुए ड्रिंक्स करते हुए जा रहे थे, और वो लोग उस लड़की को नाचता हुआ देखते हैं और फिर गाड़ी घुमा के वापस आते हैं और उसे जबरदस्ती कार में बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके माँ बाबूजी उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तभी कार से एक आदमी उतरता है और उन दोनों को गोली से मार देता है और लड़की को जबरदस्ती कार में बिठाते हैं और उसका रेप करने लगते हैं। तो इसी तरह से हर एक आदमी उसके साथ रेप करता है और उसको वही माँ बाबूजी के पास फेंक के वो जाने लगते हैं। लेकिन एक आदमी देख लेता है कि वो लड़की जिंदा है, तो वो फिर से वापस आते हैं और उसका गला काट के उसे मार ही देते हैं। और उसकी छोटी बहन वहीं पे साइड में बैठ के ये सब देख रही थी क्योंकि वो बहुत ही छोटी थी, इसीलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वो लोग पुलिस को कॉल करके बता देते हैं। फिर थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पे आती है और उन तीनों की बॉडीज को एक कार में डाल के ले जाने लगते हैं, और वो लड़की वहीं पे पीछे रह जाती है और वो कार के पीछे दौड़ने लगती है, लेकिन वो इतनी फास्ट नहीं दौड़ पाती और वहीं पे रुक जाती है, और उसके हाथ में वो पापा की पगड़ी थी। फिर वो पुलिस वाले एक ब्रिज पे गाड़ी रोकते हैं और उन तीनों की डेड बॉडीज को नदी में फेंक देते हैं। ये कहानी सुन के राजा शॉक रह जाता है और वो लड़की से कहता है कि मुझे तो लगा था कोई नॉर्मल घिसी पिटी लव स्टोरी वाली कहानी होगी, लेकिन तुम्हारी कहानी तो बहुत अलग है। और ऐसा बात करते हुए वो जा रहे थे तो तभी बीच में राजा की कार खराब हो जाती है और वो एक साइड में रुक जाते हैं, और राजा क्या हुआ है देखने के लिए कार का बोनेट खोल के देखने लगता है और वो लड़की सीट पर ही बैठी थी। थोड़ी देर बाद जब राजा बोनेट बंद करता है तो लड़की सीट पर नहीं थी, और जैसे ही वो मुड़ के पीछे देखता है तो गला कटे हुए हालत में वो लड़की खड़ी थी। तो ये देख के राजा अनकॉन्शियस होके वहीं पे गिर जाता है। फिर अगले दिन राजा को जब होश आता है तो वो एक हॉस्पिटल में था और उसे सलाइन चल रहा था, तो वो सलाइन निकलता है और हॉस्पिटल से भाग जाता है। फिर वहां से वो हरिवंश सेवा आश्रम जाता है, लेकिन वहां पे उसे निम्मी नहीं मिलती। लेकिन जब वो जा रहा था तो वहीं से एक कार गुजरती है, तो ये कार का और वो लड़की का रेप वाली कार का नंबर और लोगो सब सेम था। तो यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि वो लड़की का रेप करने वाले और निम्मी को किडनैप करने वाले एक ही है। और कांट रोड बहुत ही हॉरर हो चुका है क्योंकि अभी तक वहां पर 100 के ऊपर मर्डर हो चुके हैं और किसने किए हैं ये पता नहीं चल पाया है। तो मुझे ये लगता है कि वो लड़की हर रात वो रोड पर आती है और जो कोई भी उसका गलत फायदा लेने की कोशिश करता है तो वो उसे मार देती है। और मूवी के स्टार्टिंग में मरने वाले पुलिस वाले भी वही थे जिन्होंने उनकी बॉडीज फेंकी थी, तो वो लड़की ने उसका बदला भी ले लिया है, और जो कोई भी अच्छा होता है तो वो उसे छोड़ देती है, जिसकी वजह से राजा वहां से बच के आ गया। और वो लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी राजा को इसीलिए सुनाई ताकि राजा निम्मी को ढूंढ ले और उसका ख्याल रख पाए। और इसी तरह से हमारी मूवी यहाँ पे खत्म होती है। तो आपको ये मूवी की स्टोरी कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।